किससे है फ्रेडी को ऑब्सेशन? कुछ ऐसा होगा आलिया रणबीर की बेटी का नाम। शादी से पहले ही बेहोश हो गए नागा शौर्य। पिता के जाने का गम नहीं सह पा रहे हैं महेश बाबू। किसके साथ साइकिल पर बैठी जैस्मिन भसीन? रानी चटर्जी ने किससे रचा ली शादी? के हुए फैंस मोनालिसा के दीवाने। स्वागत है आपका मायापुरी कट पर। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्मी एक्सप्रेस, जहाँ पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की अपडेट्स पहुँचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। कथकारन के लिए ये साल काफी खास साबित हुआ है। अब वो अपनी फिल्म फ्रेडी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फ्रेडी में कार्तिक पर्दे पर कभी न दिखने वाले अवतार में दिखेंगे, जिसके लिए फैंस कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। और अब मेकर्स ने अपनी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का नया पोस्टर शेयर कर दिया है। इस पोस्टर में कार्तिक के साथ एक्ट्रेस अलाया फर्नीचर वाला भी नजर आ रही है। फोटो शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा, मीट फ्रेडीज ऑब्सेशन कैनास। अब ये देखने के बाद फैंस इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। वैसे इस फिल्म का पोस्टर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हाल ही में पेरेंट्स बने हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर आलिया की बेटी की एक झलक के लिए फैंस बेताब हैं। हालांकि अभी तक आलिया और रणबीर ने बेटी की कोई भी तस्वीर फैंस को नहीं दिखाई है, लेकिन बच्ची के नाम को लेकर एक खुलासा हो गया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आलिया और रणबीर ने अपनी बेबी गर्ल का नाम आखिरकार शॉर्टलिस्ट कर लिया है। कपल ने अपनी प्रिंसेस के लिए जो नाम सोचा है, उस नाम का दादा ऋषि कपूर से खास कनेक्शन होने वाला है। अब ये जानने के बाद तो फैंस बच्ची का नाम जानने के लिए और भी ज्यादा बेताब हो गए हैं। टॉलीवुड एक्टर नागा शौर्य फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हाई ग्रेड फीवर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक्टर नागा शौर्य पिछले कई दिनों से नो लिक्विड डाइट फॉलो कर रहे थे और अपनी फिल्म में सिक्स पैक एब्स के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे थे। उनके अचानक बेहोश होकर गिरने के पीछे की वजह शरीर में पानी की कमी बताई जा रही है। आपको बता दें कि 4 दिन बाद ही नागा शौर्य की शादी भी होने वाली है। एक्टर महेश बाबू इस समय बेहद सदमे में हैं। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ के बाद अब पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद महेश बाबू बुरी तरह से टूट गए हैं। सामने आई तस्वीरों में वो फफक फफक कर रो रहे हैं। एक्टर कृष्णा के अंतिम दर्शन के लिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स उनके घर पहुंचे थे और उन्होंने महेश बाबू को सांत्वना भी दी। पंजाबी फिल्म एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी जैस्मिन की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। वहीं वो भी अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ती और अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती ही रहती हैं। अब हाल ही में जैस्मिन ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जहां वो एक साइकिल सीन शूट कर रहे हैं। जैस्मिन मनिंदर भुट्टर के साथ एक साइकिल पर बैठी नजर आ रही है, जहां दोनों काफी हंसी मजाक भी करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वो अक्सर अपने हॉट लुक्स की वजह से चर्चा में रहती हैं। फैंस भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। उनकी तस्वीरें भी आए दिन इंटरनेट पर छाई रहती हैं। ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है। रानी चटर्जी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं एक्ट्रेस ने शादी तो नहीं कर ली। दरअसल रानी ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस येलो कलर का टॉप पहने नजर आ रही हैं। कई तस्वीरों में रानी मांग में सिंदूर लगाए हुए दिख रही हैं। इस वजह से फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कहीं रानी ने शादी तो नहीं कर ली। मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपर हॉट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। मोनालिसा की तस्वीरें और वीडियोस भी आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार फिर मोनालिसा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में मोनालिसा ग्रीन कलर की स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं। उन्हें अपने इस लुक के लिए फैंस के काफी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं। अब उनका ये लुक आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आपको कॉमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और देखते रहिए इंडियन फिल्मी एक्सप्रेस मंडे टू सैटरडे @8 PM ओनली ऑन मायापुरी कट।